गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने कई क्लासेस में कंप्यूटर पढ़ा है। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर चैप्टर पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कंप्यूटर की प्रक्रिया, कंप्यूटर की प्रक्रिया के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग कंप्यूटर के बारे में तो कई चीज़ें जानते हैं, अभी तक सेकेंड थर्ड में कई सारी जानकारी लेके आए हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ठीक है, कई प्रकार की आपको जानकारी दे चुके हैं। आज हम लोग कंप्यूटर की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है, कंप्यूटर एक ऐसा आधुनिक उपकरण है जो प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी होता है। जिस तरह मनुष्य को सूचना की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंप्यूटर को भी आंकड़ों की जरूरत होती है। जब हम जैसे सूचना आप लोग जानते क्या होता है, सूचना, जैसे हमने आपको कोई सूचना दी, जानकारी दी, तो वो क्या हो गई, सूचना, कोई जानकारी देना। जैसे सरकार ने कोई निकाली, कोई निकाला कुछ भी, कोई जैसे कि शिक्षक भर्ती, कोई भी भर्ती निकालते हैं, तो हम लोगों को एक सूचना ही तो मिलती है, तो वो जानकारी मिली, तो वो हम लोगों ने एक दूसरे शेयर की, तो वो हम लोगों की हो गई सूचना, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी आंकड़ों की जरूरत होती है, डाटा की, आंकड़ों मतलब डाटा की। जैसे मनुष्य को सूचना की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंप्यूटर को आंकड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर है आंकड़े एवं सूचना। आंकड़े एवं सूचना का मतलब अंतर बताना है, ठीक है। देखिए, आंकड़े और सूचना, इसका अंतर क्या होगा, कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारियां, अभी बताया ना, जब हम एक दूसरे से जानकारी करते तभी तो एक दूसरे को सूचना मिलती है, तो वही चीज यहाँ पे है, कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारियां जिसको विश्लेषित करके कंप्यूटर परिणाम प्रस्तुत करता है, आउटपुट पे। जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे तो उसका परिणाम कहाँ दिखेगा, कंप्यूटर पे। इसी तरह जब हम कंप्यूटर पे कुछ जानकारियां देते हैं तो उसका हमें कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर पे सारा परिणाम प्रस्तुत होगा। आंकड़े कहलाते हैं, आंकड़ों को कंप्यूटर विश्लेषण हेतु आधारभूत तथ्य भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं आंकड़ों के प्रकार। आप लोगों को बताएं, आंकड़े 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा लिखित। आप लोगों ने हिंदी में तो पढ़ा ही है कि लिखित, लिखित भाषा कौन सी है, जो हम लिखते हैं, जो हम न्यूज़पेपर में आता है हमारे यहाँ, जो उसमें लिखी होती है वो हमारी लिखित भाषा होती है। इसी तरह जो कंप्यूटर में लिखित है वो क्या है, जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, उसमें कई सारी कुंजियाँ होती हैं, अल्फाबेट कुंजियाँ होती हैं, कई सारे चिन्ह होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, लिखित आंकड़ों में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी छोटे बड़े अक्षर, अल्फाबेट भी होते हैं ना, और फंक्शन कुंजियाँ भी होती हैं, तो कई छोटे बड़े अक्षर या कुछ विशेष चिन्हों, कुछ चिन्ह भी होते हैं, ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इनका छोटे बड़े अक्षर, चिन्ह, अल्फाबेट, इनका प्रयोग करते हैं, वो किसके जरिए से, कीबोर्ड के जरिए से, तो वो क्या होगी, हमारा लिखित भाषा हो गई, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट है, दृश्य। दृश्य का मतलब तो आप जानते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, जैसे कि अभी हम ये ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप अपने घर से वीडियो देख रहे होंगे, तो वो क्या है, दृश्य, किसके जरिए से देख रहे हैं, अपनी आंखों के जरिए से देख रहे हैं। तो इसमें हमने लिख रखा है, दृश्य आंकड़ों में विभिन्न चित्रों एवं फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग घर में बैठ के गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, मतलब कई चीज़ें देखते हैं ना, तो वो किसके जरिए से देखते हैं, अपने दृश्य के जरिए से, अपनी आंखों के जरिए से देखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा श्रव्य। श्रव्य आंकड़ों में ऐसे आंकड़े आते हैं जिनको सुना जा सकता है। आप लोग जानते हैं श्रव्य का इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइडियो। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियो। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे म्यूजिक सुनते हैं आप लोग, जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक अंधा है, सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, ठीक, वो सुन सकता है देख नहीं सकता, तो उसका मतलब वो देख नहीं रहा है लेकिन सुन तो रहा है ना, तो वो हो गया हमारा श्रव्य। फिर है मानवीय अनुभूतियों एवं चेष्टाओं के रूप में। मानवीय अनुभूतों एवं चेष्टाओं के रूप में, ठीक है। सामान्यतः इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग चिकित्सा अपराध विज्ञान में किया जा सकता है। मानवीय अनुभूतों एवं चेष्टाओं के रूप में इसका कहाँ पे होगा, चिकित्सा में। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो हम लोग उनको दिखाते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि ये रिपोर्ट है,
इसको आप करा लीजिए, जांच करा लीजिए। तो जो हम जांच कराने जाते हैं तो वो जांच जो निकल के आती है, वो जो जांच की जाती है तो किसके जरिए से की जा रही है? कंप्यूटर के जरिए से। वो हमारा ब्लड ले लेते हैं और मशीनों में डाल देते हैं, उसके बाद जो परिणाम निकालते हैं वो किसके जरिए से? आउटपुट के जरिए से। तो यही हुआ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? कंप्यूटर की प्रक्रियाओं के बारे में। उसमें क्या आता है? आंकड़े एवं सूचना। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, लिखित, दृश्य, श्रव्य और मानवीय अनुभूतों एवं चेष्टाओं के रूप में। बस।